हेलो एवरीवन, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स ज्वाइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। तो जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें साइंस आती है जैसे कि रेलवे या सी टेट, एच टेट या कोई भी एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए है, देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कि सेल क्या करती है, स्ट्रक्चर भी है, मतलब सेल किसी भी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, साथ में उसका कुछ फंक्शन भी होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने क्या करा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट थिंग्स अराउंड अस आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे आसपास की चीजें होती है वो लिविंग होती है और कुछ नॉन लिविंग होती है। यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बेसिक फंक्शन, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शन भी करते हैं। बात मानते हैं इस बात को। आगे बात करें, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है जैसे कि लंग्स हैं, किडनी है, तो ये अलग अलग परफॉर्म करते हैं अपने अपने वेरियस फंक्शन अपने करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट क्या है किसी भी ऑर्गन की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, विच इज दिस सेल, वो क्या है, सेल है। तो सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिससे वो बढ़ता है वो क्या होता है भाई, आपका सेल होता है। तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भाई, वो सेल होता है। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक, देखो सेल को कंपेयर करा जाता है ब्रिक से, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स को असेंबल किया जाता है, उसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमारी सेल असेंबल होती है। बात समझ में आ गई कि जिस प्रकार से बिल्डिंग ब्रिक्स से बनाई जाती है, ईंटों से बनाई जाती है, उसी प्रकार से हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी किसका बना होता है, सेल का बना होता है। कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, बनती तो किससे है, ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से ही, असेंबल करके ही, ठीक है भाई। अब उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, बिल्डिंग देखी होगी आप लोगों ने, अलग अलग तरीके से ब्रिक्स को जोड़ते हैं उस हिसाब से उसकी शेप बन जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेल असेंबल होती है उसी प्रकार से उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए पौधों का अलग स्ट्रक्चर है, एनिमल्स का अलग स्ट्रक्चर है, सबका अपना अलग है, अलग स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो सेल जो असेंबल हुई है उनके हिसाब से है। अब बात करते हैं सेल के बारे में, सबसे पहले पता कैसे लगा, तो बात थी 1665 ईस्वी की, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में स्लाइस ऑफ कॉर्क इससे खोज करी थी। किसकी, स्लाइस ऑफ कॉर्क, किसके द्वारा, एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस बनाया था उसने, माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी सहायता से। अब कोई पूछ ले कि कॉर्क क्या है, तो कॉर्क एक्चुअली में एक बार्क ऑफ ट्री है, यानी कि पेड़ की छाल है। क्या है, पेड़ की छाल से में उसने खोज करा था अपने मैग्नीफाइंग डिवाइस की हेल्प से। उसके बाद में हम बात करें तो ये उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था, कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस को ऑब्जर्व करा था, कंपार्टमेंट को ऑब्जर्व करा था इन दी कॉर्क स्लाइस, जो कॉर्क की जो स्लाइस थी उसके अंदर उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, इस तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट को ऑब्जर्व करा और इन्हीं को नाम दिया गया सेल। द बॉक्स अपेयर्ड लाइक ए हनीकॉम्ब, तो वो हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर दे रहे थे, जैसे कि आपके मधुमक्खी का छत्ता, हाइव, आप लोगों ने देखा होगा। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर, एक बॉक्स दूसरे से अलग है बाई ए वॉल, जैसे कि ईंटें नहीं देखी आप लोगों ने, ईंटों के बीच में मसाला भरा होता है, उसी प्रकार से। तो हुक ने उस एक कंपार्टमेंट को, उसको कॉइन करा, नाम दिया क्या, सेल। ईच बॉक्स का नाम क्या दिया गया, सेल। तभी तो बताया गया था कि छोटे छोटे इससे मिलकर क्या बनता है भाई, एक ऑर्गेनिज्म बनता है सेल से। आगे समझ में, तो ये जो सेल थी वो एक्चुअली में क्या थी, डेड सेल थी। तो डेड सेल की खोज किसने करी आपको पता लगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि लिविंग सेल की खोज किसने करी, क्वेश्चन क्या बना यहां पे, लिविंग सेल की खोज किसने करी, तो याद कर लेना, लिविंग सेल की खोज करी थी लियोन हुक ने। किसने करी थी भाई, लियोन हुक, लियोन हुक, लियोन हुक ने खोज करी थी। कब करी थी, 1674 में, क्योंकि उस टाइम तक एक बढ़िया माइक्रोस्कोप आ चुका था, तो उससे इन्होंने खोज कर दी थी लिविंग सेल की भाई, लिविंग सेल की खोज करी थी। कहाँ करी थी, पोंड वाटर में करी थी। कहाँ करी थी भाई, पोंड वाटर में। तो पोंड वाटर में लिविंग सेल की खोज करी थी लियोन हुक ने, आप सभी को याद होना चाहिए। और डेड सेल की खोज करी थी 1665 में, यानी कि सबसे पहले सेल नाम का वर्ड ही तभी आया था, 1665 की बात है, और रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी। आगे चलते हैं, द सेल, तो आपको बता चुका हूं द बेसिक
स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स सबसे छोटा स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से किसी भी बॉडी को बनाने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो उसको स्ट्रक्चर देती है, वो क्या है भाई? सेल। तो सबसे छोटा यूनिट होती है किसी भी बॉडी की क्या होती है? सेल होती है। तो सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि किसी किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म अकेली सेल के बने होते हैं, कुछ बहुत सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपको हैन एग देखोगे तो वो एक अकेली एक सेल है, लिख रखा है कि ए हैन एग कैन बी सीन इजिली, इट कैन बी सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल। तो आंसर है इट इज सेल। उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जो कोई भी अंडा होता है वो क्या है, एक अकेली सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल नहीं होता है। उसके बाद में ये फोटो दिखा रखी है, जैसे कि ब्रिक्स के अंदर ये जगह दिख रही है, ये खाली जगह, यहाँ पे ये वाल है, जैसे कि हमारी सेल के अंदर आपको स्ट्रक्चर साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाल है, और इसके अंदर जो छेद सा दिख रहा है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस। ये ओनियन पिल में दिखा रखा है, आप भी देखा होगा कहीं ना कभी, एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, नहीं करा है तो कर लीजिए। उसके बाद में ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब ये सेल के नंबर अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, उसकी शेप अलग अलग हो सकती है, उसका साइज अलग अलग हो सकता है। तो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व, तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं लिविंग सेल को? तो वो यूज करते हैं माइक्रोस्कोप को, और वहां पे लगाते स्टेन कर देते, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहते हैं तो जो भी स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसमें क्या कर देते, स्टेन कर देते। स्टेन का मतलब कलर दे देना, डाई का यूज करते हैं और कलर कर देते हैं पार्ट को, ताकि उसका डिटेल स्ट्रक्चर आराम से हो सके। क्योंकि हमारी बॉडी की बात करें, देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डिफरेंट टाइप की आपको सेल मिल जाएंगे, देर आर डिफरेंट शेप इन साइज भी, ठीक है ना। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत सारी सेल मिलेंगी, लाखों सेल मिल जाएंगी, वो अलग अलग हो सकती हैं। नंबर ऑफ सेल के आगे बात करें तो ह्यूमन बॉडी की बात कर ले, तो ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ट्रिलियन ऑफ सेल होती है। कितनी ट्रिलियन ऑफ सेल है, विच आर वेरी इन शेप, और सब अलग अलग साइज की हो सकती है, शेप की हो सकती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन, और अलग अलग जो ग्रुप है सेल का वो अलग अलग फंक्शन करता है। वैरायटी ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इसको बोलते हैं टिश्यू, ये जो वर्ड आया ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारी सेल एक प्रकार की सेल मिलकर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में ना, सबसे फिर ग्रुप ऑफ सेल के बारे में डिस्कस हुआ। तो ग्रुप ऑफ सेल यानी कि एक ऐसी सेल का ग्रुप है जो एक ही प्रकार का काम करेगा, उसको हम बोलेंगे भाई टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक, आप सभी को याद होगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। क्या बनाएंगे भाई? ऑर्गन। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है भाई? ऑर्गन सिस्टम, आप सभी को याद होगा, क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा क्या तैयार हो जाता है भाई? ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ये मल्टी सेलर के अंदर है। अब अमीबा है या अकेला एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अकेली ही सेल है, इसमें एक ही सेल है, ये एक ही सेल है, ये जो अमीबा की वो सिंगल सेल है। क्या है भाई? वो सिंगल सेल है। तो मल्टी सेलर के बारे में बता रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम बात करें तो सेल होता है, सेल बहुत सारी मिलकर ग्रुप ऑफ सेल बनकर एक वैरायटी ऑफ फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करती है। ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो अलग है, मिलियन ऑफ थाउजेंड, बिलियन का मतलब हो गया थाउजेंड मिलियन, एंड ट्रिलियन का मतलब है थाउजेंड बिलियन, इतनी हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है। आगे बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल होती है। तो ऑर्गेनिज्म है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मल्टी सेलर, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो अभी स्ट्रक्चर समझाया था, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मल्टी सेलर के लिए बात है कि ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। मल्टी का मतलब मैनी और सेलर का मतलब होता है सेल, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलर हो, यानी कि मल्टी यानी मैनी सेल से मिलकर बना होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, हाँ एक बात है, मल्टी सेलर भी बढ़ते किससे हैं? तो आंसर है सिंगल सेल से बनते हैं भाई। किससे बढ़ते हैं? जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ये मत समझ लेना कि वो मल्टी सेलर से ही बनते हैं, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बढ़ते हैं भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद में यूनिसेलर की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ओनली सिंगल सेल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलर। यूनि का मतलब वन, सेल मतलब सेल, जो एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एक ही सेल के होते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये बात आप सभी को याद हो गई होगी। उसके बाद में अगर हम पूछ करें न्यूक्लियस के बारे में, आप डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियस, ये जो सेल के अंदर आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका न्यूक्लियस। अगर इसकी खोज करने की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी, आपको याद हो जाना चाहिए। क्या बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी। क्या करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1831 में करी थी। किसमें करी थी? 1831 में। अमीबा के न्यूक्लियस की खोज नहीं करी थी, सबसे पहले ऑर्चिड रूट की करी थी भाई। किसकी करी थी? ऑर्चिड रूट की करी थी भाई, ये याद रखना है। ऑर्चिड रूट की खोज करी, रूट के अंदर पाया गया था ये, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस की खोज करी थी। कब करी थी? 1831 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी।
वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करते रहना भाई। अब बात करते हैं सिंगल, देखो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, जो अभी अभी अमीबा और पैरामिशियम के बारे में बात कर रहे थे, वो कैप्चर करता है खाना, खुद ही खाना खाता है, मतलब खुद ही कैप्चर करता है, खुद ही खाने को पचाता है। एक अकेली सेल की बात कर रहा हूं मैं, रेस्पायर भी खुद ही करता है, एक्सक्रिएट भी खुद ही करता है, ग्रोथ भी करवाता है एक अकेली सेल। और यही सिमिलर फंक्शन एक मल्टी सेलर हमारे अंदर, हम भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, हमारे अंदर होता है। लेकिन हमारे अंदर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल यानी कि टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या बन के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं ना, तो ऑर्गन करते हैं या डिफरेंट टिश्यू अपना अलग अलग काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। इंटर्न फॉर्म ऑर्गन बताया ना, टिश्यू इंटर्न क्या करते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। टिश्यू बनकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, तो वो करते हैं। लेकिन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जितने भी जो नेसेसरी एक्शन होते हैं वो सब कौन करता है, तो आंसर वो अकेला ऑर्गेनिज्म करता है। जैसे कि हम बात करें सेल की, तो हमारी जो अकेली सेल है अमीबा की, वो सारा काम कर रही है, क्या कर रही है, खाना भी कैप्चर कर रही है, ठीक है, उसके बाद में रेस्पायर भी कर रही है, उसके बाद में डाइजेस्ट भी कर रही है, ग्रो भी करवा रही है अपनी बॉडी को, तो सारा काम अकेली सेल कर रही है। लेकिन हमारे अंदर उल्टा काम है, हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारी सेल मिलकर ये काम करती है, तो याद रखना इस बात को। आगे बात करते हैं शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल की बात करें तो देखो अलग अलग शेप हो सकती है, अलग अलग शेप की। जैसे अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, ना ही डेफिनेट शेप होती है, ठीक है भाई, अदर ऑर्गेनिज्म की तरह। तो ये याद रखना है, इट कीप चेंजिंग इट्स शेप, ये अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो आपने कई बार देखा भी होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूटिंग आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि बाहर की तरफ, जैसे ये आपको ये अमीबा की सेल इस तरह से दिखेगी, ये जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सुडोपोडिया, ये जो बाहर दिख रहे हैं एंड टाइप स्ट्रक्चर जिसको फिट बोलते हैं, सुडोपोडिया। सुडो का मतलब होता है फॉल्स, जूठे, फिट मतलब पैर, तो इस तरह से इनको फॉल्स फिट भी कहा जाता है सुडोपोडिया को। और इसी की हेल्प से वो खाने को एनगल्फ करते हैं, खाने को पकड़ने में, कैप्चर करने में, जैसे हमारे हाथ होते हैं इसी प्रकार से इन्हीं का यूज करके चलने में भी हेल्प होती है अमीबा को। तो सारा काम अकेली सेल करती है। तो व्हाट एडवांटेज डज द अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप, इसका एडवांटेज अभी बताया मैंने, एक खाना को निगलने में, एनगल्फ करने में हेल्प करती है, फिर उसको चलने में हेल्प करती है, तो ये आपके फायदा है इसका। तो अपनी शेप को लगातार क्या करती रहती है भाई, चेंज करती रहती है। बात करते हैं WBC की, द शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन द कैप्चरिंग द फूड, या भी जो आपको बताया था कि मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करती है और खाना पकड़ने में भी अपने हेल्प करती है, हमारे जैसे हमारे हाथ होते हैं। इन WBC व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, इन ह्यूमन ब्लड अनदर इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल, हमारी बॉडी के अंदर WBC व्हाइट ब्लड सेल का नाम तो आपने सुना होगा, RBC का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, RBC, तो ये सभी क्या एक सिंगल सेल ही होती है, विच कैन चेंज इट्स शेप। तो WBC अपनी शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, बट वाइल WBC इज ए सेल, लेकिन WBC क्या है, एक अकेली सेल है, जबकि अमीबा क्या है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। WBC क्या है, हम ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाली एक अलग टाइप की सेल है, समझ रहे हो ना, हम ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टाइप की, ट्रिलियन टाइप की, मिलियन टाइप की आपको मिल जाएंगी सेल, उन्हीं में से एक सेल है WBC, RBC, ठीक है ना, न्यूरोन, ऐसे बहुत सारी सेल है। लेकिन WBC के बारे में बताया कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकती है, इसी प्रकार से अमीबा भी चेंज कर सकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अमीबा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन WBC ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक छोटी सी सेल है जो कि हमारी मल्टी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलर उनके अंदर ये पाई जाती है, यानी कि इसका जो कैपेबल एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इसका, अमोइबा का, ठीक है भाई। आई होप समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। जनरली सेल की अगर शेप की बात करें, तो जनरली की बात करूं तो राउंड मिल जाएगी आपको, स्फेरिकल कह सकते हैं, या स्पिंडल शेप भी मिल सकती है, स्पिंडल शेप, जैसे कि मसल सेल की बात करें, ब्रांच सेल जैसे कि आपकी नर्व सेल की बात करें, न्यूरोन की बात करूं, न्यूरोन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरोन का काम भी आपको याद होना चाहिए। नर्व सेल क्या करता है भाई, नर्व सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, या न्यूरोन भी बोलते हैं इसको, ये रिसीव करता है, ट्रांसफर करता है मैसेज को, जैसे हमें किसी ने टच करा तो हमें पता लग गया, किसकी वजह से पता लगा, नर्व सेल की वजह से पता लगा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरोन फैले हुए हैं, देयर बाय हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके हाथ में होता है, नर्व सेल का, और इसका मेन काम है जो मैसेज को ट्रांसफर करना थ्रू आउट दी बॉडी, तो इसीलिए इसको सबसे लंबी सेल भी कहा जाता है, क्योंकि मैसेज ट्रांसफर करने होते हैं, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट चेन भी मानी जाती है। तो ये आपको दिख रहा है न्यूरोन की सेल, यानी कि लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल बोलते हैं इसको, स्पिंडल सेल ये दिख रही है आपको, मसल सेल है ये, किसकी सेल है, मसल्स की सेल है हमारी बॉडी के अंदर, और ये आपको दिख रही है RBC, स्फेरिकल शेप में आपको दिख रही है RBC, WBC की कोई शेप नहीं होती है, तो ये आप फोटो देख के आप पहचान सकते हो। आगे अगर हम बात करें सेल
वाल इज एन एडिशनल कवरिंग ऑफ, देखो अब सेल वाल के बारे में बात आ गया, प्लांट में तो होती है लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये बात आपको याद रखनी है कि जो सेल वाल होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, सेल वॉल किस में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है ना कि एनिमल में, ये बात आपको याद रखनी है कि सेल वॉल, देखो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल होती है, सेल के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये होती है उसमें आपके एनिमल्स में, लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है एक आउटर कवरिंग और होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और उसका नाम दिया गया सेल वॉल, क्या दिया सेल वॉल, ठीक है भाई, दोनों एक जैसी ही है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देती है सेल मेम्ब्रेन, क्या करती है स्ट्रक्चर देती है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है किसी भी सेल को स्ट्रक्चर देना, सेल वॉल उसको और ज्यादा रिजिडिटी दे देती है, ठीक है भाई, तो सेल वॉल क्या है एन एडिशनल कवरिंग है ऑफ दिस सेल, एक एक्स्ट्रा है मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी, शेप तो देती है साथ में रिजिडिटी भी देती है सेल को, ठीक है ना, और बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो भी सेल वॉल रखती है, यानी उनके पास भी एक सेल वॉल होती है, वो एनिमल्स में नहीं होती, बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा था, हमारे अंदर नहीं होती है, बैक्टीरियल सेल में क्या होती है सेल वॉल होती है, और प्लांट सेल के अंदर भी ये सेल वॉल पाई जाएगी, जो हमारे अंदर है ह्यूमन बींग के अंदर तो वहां सिर्फ सेल मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। चलिए सेल वॉल के बारे में बता दिया, अब साइज की बात करते हैं, तो साइज देखो अलग अलग हो सकता है, अगर मैं बात करूं छोटी से लेकर बड़ी तक मिलेगी आपको, ठीक है भाई, तो यहां से देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक मिलती है, जो कि किसमें है बैक्टीरिया की, पीपीएलओ का नाम आपने सुना होगा, स्मॉलेस्ट सेल होती है पीपीएलओ, या फिर हम बोल सकते हैं माइकोप्लाज्मा, क्या लिखोगे माइकोप्लाज्मा की, सबसे छोटी सेल किसकी होती है भाई माइकोप्लाज्मा की होती है, जो कि कितनी होती है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है देखो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोमीटर, यानी कि 10^-6 मीटर, इतनी छोटी होती है 10^-6 मीटर, तो याद करना 10^ क्या 6 मीटर माइक्रोमीटर, ठीक है भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं, आगे ये लड़की का क्वेश्चन है कि आर द सेल इन द एलिफेंट लार्जर देन द सेल ऑफ द रैट, तो क्या जो हाथी है उसकी सेल बड़ी होगी चूहे की छोटी होगी, तो आंसर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके साइज जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि सेल का साइज क्या होगा, जैसे कि हम बात करें तो साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, यानी कि जो भी एनिमल है या प्लांट है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी सेल का साइज क्या होगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल सेल इन दी एलिफेंट मस्ट बी बिगर देन दी रेट, तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जैसे कि बात करें साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, किस पे डिपेंड करता है साइज, हमेशा याद करना है साइज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं नर्व सेल, नर्व सेल का काम बताया था चाहे वो एलिमेंट हो और चाहे एलिफेंट हो चाहे रेट हो, दोनों का में ही ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, ब्रांच्ड होता है, दे परफॉर्म सेम फंक्शन दैट ट्रांसफरिंग द मैसेज, यही तो बताया था न्यूरॉन का काम क्या है मैसेज का थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसफर करना, तो ये करती है, तो इसका बहुत लंबी होती है चाहे चूहे में मिले और चाहे हाथी में मिले चाहे हमारे अंदर मिले, सभी में ये लेंथ लंबी ही मिलेगी, तो यानी कि फंक्शन पे डिपेंड करता है ना कि उस ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करता है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, अभी बताया था कि जो ऑर्गन होता है ईच ऑर्गन है वो किसका बड़ा होता है टिश्यू का बड़ा होता है, ठीक है भाई, और टिश्यू किसका बना होता है तो ये बताया सेल का, उल्टा बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसके बाद में इस तरह से ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टिश्यू, याद करना है ये बातें, आपको बता चुका हूं मैं पहले ही, अब पार्ट्स ऑफ द सेल, अब देखो सेल तो हमने बाहर बाहर से देख ली, अब इसके पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो सबसे पहले बाहर की कवरिंग की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में पहले बता चुका हूं, तो पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये देखो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, जो सब बेसिक कंपोनेंट है हमारी सेल का वो क्या है भाई सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक लिक्विड एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस लगा दिया, और यहां जो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस जो लिक्विड भरा होगा उसका नाम होगा साइटोप्लाज्म, क्या भरा होगा लिक्विड भरा होगा उसका नाम होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो तीन पार्ट है इसके मेन है, बेसिक कंपोनेंट एक सेल मेम्ब्रेन जो बाहर के आउटर कवरिंग होगी, एक आपका न्यूक्लियस और एक इसके अंदर आपको प्लाज्मा लिक्विड मिलेगा जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म भी, ठीक है भाई, न्यूक्लियस एंड एनक्लोज विद इन दिस सेल मेम्ब्रेन, ये सभी के सभी किसमें होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, कौन कौन साइटोप्लाज्म और आपका ये न्यूक्लियस, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा, और हमने बताया कि द मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर ऑल्सो द सेल आर सराउंडिंग मीडियम, देखो एक दूसरी सेल से तो अलग करती ही करती है, देखो हमने
ब्रिक का एग्जाम्पल देखा था, यहां से ब्रिक बना रखी थी ऐसे करके। तो ये जो सेल वॉल है, ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, ये दूसरी सेल से अलग करती करती साथ में ये बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना, यहाँ वाला एनवायरनमेंट, इससे भी इसको सेल को क्या करती है भाई, अलग करती है भाई, क्या करती है, अलग करती है, ये बात याद रखना है। और उसके बाद में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक पोरस होती है, याद रखना पोरस होते हैं मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस को अंदर और बाहर, सेल के अंदर और बाहर जाने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती है, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपकी स्क्रीन पे आपको चार वीडियो दिखेंगे, उनमें से एक वीडियो आपको सेल, क्योंकि क्लास 9 से रिलेटेड, उसमें पूरी डिटेल में भी बता रखा है। अभी 8th के लेवल के अकॉर्डिंग इतना ही है। अब बात करते हैं बाउंड्री ऑफ दी ऑनियन सेल इज दी सेल मेम्ब्रेन। तो बाउंड्री है जो ये दिख रही है आपको, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, कवर्ड बाय दी अनोदर थिक कवरिंग कोल्ड सेल वॉल। और अब इसके बाहर एक लेयर और मिलेगी, उसका नाम रहेगा आपको बताया सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर मिलेगी और बताया था बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी। जो सेंट्रल जो डेंस राउंड बॉडी दिख रही है आपको, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम क्या, न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो जेली लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक ए सब्सटेंस, जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होगा किसके अंदर, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो अभी बताया था ना, उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो कहीं ना कोई कारण रहा है, तो हम बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन तो होती होती है, इसके अलावा फिर इस सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ गई। देयर इज ए आउटर थिक लेयर ऑफ सेल इन द प्लांट कोल्ड सेल वॉल, एक लेयर और है किसके, सेल मेम्ब्रेन के अलावा। सेल मेम्ब्रेन हमारे अंदर मिलेगी, ठीक है भाई, लेकिन प्लांट के अंदर ये सेल वॉल एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि जो सराउंडिंग होती है ना सेल मेम्ब्रेन, इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सेल, मतलब जो प्लांट सेल है वो प्लांट को बचाने के लिए, प्लांट की सेल को बचाने के लिए एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की जरूरत और पड़ती है, नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट जैसे कि वेरिएशन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अलग अलग होता रहता तो उसमें खड़े रहते पेड़, तो उससे बचने के लिए, हाई विंड जो होती है स्पीड से चलती है उनसे बचने के लिए, एटमोसफेयर की जो मॉइस्चर से बचने के लिए, तो हमें इसकी सेल वॉल की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये नेचुरली सेल वॉल इसमें आ जाती है। दे आर एक्सपोज टू दी वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, तो ये मूव नहीं कर सकती, सेल कैन बी ऑब्जर्व इन दी लीफ पील ऑफ दी ट्रांसिटा, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो रोहिया या इलोडिया में आराम से आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको बता दिया, ये हो गया न्यूक्लियस, ये जो आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक कवरिंग है, यहाँ आपको दिख नहीं रही है, उसका नाम हो जाएगा सेल वॉल। और ये जो लिक्विड यहाँ जो भरा हुआ है, यहाँ लिक्विड, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे भाई, ये दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे भाई, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें हम यहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बात करें तो आपको बताया कि एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियस के बीच में। वेरियस अदर कंपोनेंट भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स, क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ऑफ द सेल प्रेजेंट इन दैट साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनल कह सकते हैं उनको, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ठीक है भाई, ये सारी चीजें। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी गिविंग है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन बढ़ाता है सेल के अंदर, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है भाई, तो ये बात याद रखनी है आपको। गोल्गी बॉडी है, ये सामान को पैकेजिंग करता है और ट्रांसफर करता है, ठीक है ना भाई, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को संभालता है, तो सेल बहुत सारे काम करती है सेल के अंदर। तो आपको पूरी डिटेल में बताया ना, अलग से वीडियो भी बना रखा है, यहाँ जितना 8th लेवल का होगा वो भी करवा रहा हूँ आपको, तो आप वहां से भी आप देख सकते हो, सेल की पूरी वीडियो है। इट इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, इट इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि जो न्यूक्लियस है आपको बताया ना डेंस होगा और सेल के सेंटर में मिलेगा, और जनरली क्या होता है स्फेरिकली होता है भाई। तो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन का कोल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर एक लेयर होती है जिससे कि एनवायरमेंट से वो अलग दिखाने का काम करती है, तो नाम दिया गया था सेल मेम्ब्रेन। इसी प्रकार से एक उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, क्या होता है कि न्यूक्लियस भी होता है। अब उसको बाहर के एनवायरनमेंट यानी कि साइटोप्लाज्म से अलग दिखाने के लिए एक लेयर बनानी पड़ेगी, और उसका नाम रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या रहेगा भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस होता है और अलाउ करता है कुछ मेटीरियल को कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाए और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चला जाए। जैसे सेल मेम्ब्रेन नहीं कर रही थी कि एनवायरमेंट से सेल में चला जाए और सेल से एनवायरमेंट में चला जाए, तो यही काम इसका है भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ स्फेरिकल बॉडी आपको दिखेगी, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। तो हमने बताया कि एक स्फेरिकल बॉडी और मिलेगी ना न्यूक्लियस के अंदर, उसका नाम रहेगा न्यूक्लियोलस, क्या नाम रहेगा, न्यूक्लियोलस।
लास्ट नाम रहेगा न्यूक्लियस इज द कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, धागे की तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम रहेगा क्रोमोसोम्स। आपने बहुत नाम सुने होंगे, हमारी ह्यूमन बींग में आप सभी को पता है 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 और 23 पेयर होते हैं, जिनमें से 22 तो सिंपल हो गए और आपके दो पेयर होते हैं, एक दो क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, वो क्या है भाई, सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। आपको पता होगा अगर एक्स एक्स होते तो लड़की, अगले चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे, और यहाँ पे एक्स वाई होगा तो बॉयज, ठीक है भाई। तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद में क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन होता है जो कि इनहेरिटेंस करेक्टर ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों में, जैसे कि हमारे माता पिता से हमारे अंदर जो गुण ट्रांसफर हुए जीन के थ्रू ट्रांसफर हुए। जीन कहाँ मिले, क्रोमोसोम्स में मिले। क्रोमोसोम्स कहाँ मिला, न्यूक्लियस में मिला। तो समझ में आया, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जीन्स। अब आपको बताया था क्रोमोसोम्स सिर्फ कब दिखाई देते हैं, ये याद रखना आपको, क्रोमोसोम्स जब दिखाई देंगे जब सेल डिवाइड होगी, जब सेल डिवाइड होंगी ना तभी आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो याद रखना आपको। तो यहां से आप पढ़ भी सकते हो कि जीन क्या है, इज इनहेरिटेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटी करेक्टर, यानी कि जो हेरिडिटी यानी कि जो वंशानुक्रम जो करेक्टर होते हैं जो हमारे माता पिता में हमारे अंदर आते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब बच्चा का जन्म होता है तो बोलते हैं दादा पे गया है, दादी पे गया है, और एक हरियाणी में गाना भी आता है, आप सभी को याद भी होगा कि करमवीर फौजी का गाना भी है, आप लोगों ने सुना होगा, कुआ पूजन पैसाड़ी दोनों नाचांगे, वो गाना सुना है ना अच्छी तरह से। उसने बोलता है कि सुवा सायो नाग इसकी बुआ पे गया, तो बुआ पे गया तो नाग गया ना, तो यानी कि कुछ कुछ बॉडी के पार्ट हमारे माता पिता हमारे जो जीन्स जो सिमिलर जीन वाले हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमारी बुआ हो गई, सगे जो खून के रिश्ते हैं उनके साथ में वो मिल सकता है, तो ये चीजें होती हैं भाई, ठीक है। अगर आपकी मम्मी के करली बाल हैं तो हो सकता है आपके भी करली बाल हो, आपके पापा का रंग फेयर हो तो आपका भी रंग फेयर हो सकता है, ब्राउन आई है आपके पापा की तो आपके अंदर भी हो सकता है, तो सारा सिस्टम वहीं से आता है भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इट इज इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, तो न्यूक्लियस का रोल होता है क्या इनहेरिटेंस में, मतलब माता पिता से बच्चों में ऑफस्प्रिंग में गुण ट्रांसफर करने मिले। इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल, जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है सबका कंट्रोल सेंटर पावर है वो न्यूक्लियस के पास होती है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जो एंटायर जो है उसका लिविंग सेल का उसको हम क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यह बात याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म किसको बोला जाता है भाई, जो जितना भी लिविंग पार्ट है सेल के अंदर उसको हम बोलेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो याद रखना है जितना भी पार्ट है उसके अंदर, जैसे कि आपका साइटोप्लाज्म है लिविंग पार्ट है, न्यूक्लियस लिविंग पार्ट है, तो जो लिविंग पार्ट होगा किसी भी सेल के अंदर उन सभी के कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब बात करते हैं एक नई चीज हो रही है प्रोकैरियोटिक, क्या वर्ड आया प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया की सेल की बात करते हैं वो नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक दिस सेल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी जो हम लोग हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं हमारी जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बढ़ जाती है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बढ़ पाती, यानी कि न्यूक्लियस का वेल डिफाइन नहीं हो पाता। देखो सेल मेम्ब्रेन सेल को वेल डिफाइन करती है, अच्छे से समझा देती है कि हाँ ये एक बाउंड्री हो गई और इतनी है, जैसे हमारे प्लाट काटते तो एक बाउंड्री नहीं बना देते हैं, तो इस प्रकार से हमें पता लग जाता है कि ये हमारा प्लॉट है। इसी प्रकार से न्यूक्लियस का भी तो तभी पता लगेगा जब उसके बाहर एक बाउंड्री होगी, तो पता लग जाएगा इतना इतना ये न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। तो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। द सेल हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, जिसके पास जिस सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है भाई, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियर मतलब न्यूक्लियस, यानी कि प्री मैच्योर मतलब मैच्योर नहीं हुआ है अभी न्यूक्लियस। तो एग्जांपल है जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा, आप याद रखना कई बार पेपर पूछ जाता है, एग्जांपल पूछे तो ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया भाई, ठीक है ना। द सेल लाइक जैसे ओनियन सेल एंड चिक सेल है वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, जो ओनियन की सेल है या हमारी जो चिक सेल होती है उसके अंदर ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी भाई, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक। तो ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा सभी यूकैरियोटिक होते हैं, तो याद रखना है बैक्टीरिया की जो होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गा उनके पास तो होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक, और इसके अलावा जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं यूकैरियोटिक। तो क्या बताया, ऑल द ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा उसको हम क्या बोलेंगे यूकैरियोटिक, मतलब उसके पास जो न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। समझ में आ रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब। अब एक वर्ड हो रहा है वोक्यूल्स, वोक्यूल्स क्या होता है, एक ब्लैंक यानी कि खाली स्थान दिखेगा आपको सेल के अंदर, ब्लैंक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे भाई वोक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है ना।
इट कुड बी सिंगल, ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि ओनियन सेल की बात करूं तो बिग मिलेगा, और हमारी चिक सेल की बात करूं तो कैसा मिलेगा भाई, छोटा मिलेगा। कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी प्लांट सेल है ना, उसमें जो वॉक्यूल्स है वो क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। जो एनिमल सेल है उसके अंदर कैसा मिलेगा भाई, छोटा मिलेगा। तो हमेशा एनिमल सेल के अंदर छोटा मिलेगा वॉक्यूल्स, और प्लांट सेल के अंदर बड़ा मिलेगा। थोड़ी देर में स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा मैं। तो उसके बाद में स्मॉल कलर्ड बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, छोटा सा एक कलर बॉडी मिलेगी जिसका नाम रहेगा प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड क्या होते हैं, कलर्ड पार्ट होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर का हो सकता है। जैसे कि एक ग्रीन पिगमेंट की बात करूं, एक प्लास्टिड होता है ग्रीन कलर का, उसका नाम है क्लोरोफिल, जो हमारे पौधों के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिड ओनली सिर्फ किस में मिलते हैं भाई, प्लांट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, प्लांट। वॉक्यूल दोनों में मिल सकता है, लेकिन प्लास्टिड किस में मिलेगा, ओनली प्लांट में मिलेगा। अलग अलग कलर देने का काम होता है इसका। तो ग्रीन कलर का जो कलर दिखेगा, ग्रीन पिगमेंट आपको दिखेगा, जो ग्रीन प्लास्टिड है उसका नाम क्या रहेगा भाई, क्लोरोफिल रहेगा। और इसका काम क्या होता है, ग्रीन कलर जो प्लास्टिड है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये क्या देता है, ग्रीन कलर देता है पत्तों को, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इट इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें, कंपेरिजन करें प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो आप पिक्चर को देख के आसानी से समझ सकते हो। दोनों सेल दिखा रखी है, तो देखिए यहाँ आपको सेल मेम्ब्रेन, ये कौन सी है एनिमल सेल है, ये कौन सी है प्लांट सेल, दोनों में है। वॉक्यूल्स देखिए, यहाँ पे स्मॉल वॉक्यूल्स अभी बताया था आपको, और यहाँ देखो कितना बड़ा वॉक्यूल्स आपको ब्लैंक स्थान दिख रहा है, वॉक्यूल्स है। इसी प्रकार से न्यूक्लियस है, इसी प्रकार से साइटोप्लाज्म है। तो ये क्लोरोप्लास्ट अलग मिलेगा, जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसमें क्या मिलती है, कि सेल वॉल भी मिलती है। देखो मैग्नीफाई करके दिखा रहेगा बाउंड्री को, तो इसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो पूछा जाए तो आप आसानी से बता दोगे कि पहला क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में भी होता है। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है ओनली प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है बताया था। न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों में ही प्रेजेंट रहता है ये। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों में ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है भाई। बैक्टीरियल सेल आपको किस किस में बताया था, जो आपकी बैक्टीरियल सेल है ब्लू ग्रीन एल्गा, वहां नहीं रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। अब बात करें साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो लिक्विड होता है, जो कि दोनों में मिलेगा, दोनों में प्रेजेंट है। प्लास्टिड होता है प्लांट सेल में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे प्लास्टिड दिखा रखा है, क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है, यहाँ नहीं दिखा रखा होगा आपको। वॉक्यूल्स की बात करें तो दोनों में आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन बढ़ जाता है यहाँ से, बहुत अच्छा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जैसे कि ऑर्गन्स आर मेड अप स्मॉल पार्ट कॉल्ड ऑर्गन्स, तो ये आप याद रख सकते हो। 1665 में खोज हुई थी, वेराइटी शेप और साइज अलग अलग मिलेगी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे जो पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन है, तो आप यहाँ से और ले सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट और ले लो आप, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है भाई। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे साइड में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।